गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं कुसुम और आप लिए लेकर आई हूं मैं आज एक फेस्टिव बुक, जिसे आप दिवाली में भी क्रिएट कर सकते हैं, करवा चौथ में भी कर सकते हैं। इसको ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए, लाइट मेकअप चाहिए, मतलब इतना लाइट भी नहीं है, ज़्यादा हैवी भी नहीं है, मीडियम है, तो आप इसे क्रिएट कर सकते हैं अगर आप इस कलर की साड़ी पहन रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर का ब्लाउज पहना है और पिस्ता कलर की जो है यहाँ पे दुपट्टा है ये मेरा, नीचे मैंने स्कर्ट पहनी हुई है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मेकअप प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। मैंने पूरी अपने स्किन को हाइड्रेट कर लिया है, अच्छे से मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा लिया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेकअप प्राइमर लगाया, उसके बाद मैं लैक्मे का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। तो लैक्मे का फाउंडेशन आपको इजीली आपके लोकल एरिया में भी कॉस्मेटिक की दुकान में मिल जाता है, तो आप इसके बदले लैक्मे के सीसी क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से आप इसे ब्लेंड कर लीजिए पूरे फेस में। ऐसे अगर थोड़ा सा येलो ही आपको मेरा फेस लग रहा है तो मैं अपने रूम के अंदर ही जो है वीडियो शूट कर रही हूँ। मेरी रिंग लाइट है तो रिंग लाइट से ही थोड़ा सा कलर का आपको पता है ना मिस एंड मैच हो जाता है। तो मैं मतलब मेकअप का लुक तो वही आएगा, बट जो आपको मुझे मेरी स्किन दिख रही है वो थोड़ा सा डार्क दिख रही है इसमें। इसके बाद हम यहाँ पे कंसीलर लगा रहे हैं जो है वेट एंड वाइट का। तो आपने कंसीलर वहीं पे लगाना है जो एरिया को आपने थोड़ा सा लाइट रखना है, जैसे अंडर आइज, ब्रिज ऑफ द नोज़ और चिन में, थोड़ा सा फोर हेड में यहाँ पे हम लगा रहे हैं। और आपने ब्लेंड करते समय ध्यान देना है उसी एरिया में इसे ब्लेंड करना है, पूरे फेस में नहीं फैलाना है। इसके बाद मैं ले रही हूँ ब्लू हेवन का सेटिंग पाउडर और मैं उसी एरिया में लगा रही हूँ इसे जहाँ पे मैंने कंसीलर लगाया था, तो इसे मैं सेट कर लूँगी। और मैं आईज में भी लगा रही हूँ क्योंकि अच्छे से जो हम आई कलर है जो हम अभी करेंगे आई शैडो लगाएंगे वो अच्छे से दिख जाएगा। इस वजह से अच्छे से पूरा फेस को सेट कर लीजिए आप जहाँ पर भी एक्स्ट्रा गिरा है। आई मेकअप के लिए मैंने रेवोल्यूशन का आई शैडो पैलेट लिया है, इसमें मैं जो न्यूड कलर है उसको पिक करूँगी पहले और पूरे अपने लिड में इसे अप्लाई करूँगी। पहले आप कोई भी कलर ले रहे हैं ना तो फर्स्ट आप डस्ट आउट कर लीजिए, नहीं तो एक्स्ट्रा लग जाता है और पैचेस भी दिखने लगते हैं, तो इसलिए हल्का सा आप डस्ट आउट कीजिए उसके बाद ही अप्लाई कीजिए कुछ भी आप अप्लाई करते हैं। तो सेम सेकेंड आई में भी उसी तरीके से मैं अप्लाई करूँगी इसे। बस मैं यहाँ पे ना एक ही आईज में दिखाऊंगी आपको लगाते हुए, दूसरे में आप समझ आइएगा कि सेम सेम मैं लगाते जा रही हूँ। सेकेंड हम यहाँ पे येलो कलर ले रहे हैं और मैं अपनी जो क्रीज लाइन है उसको भी येलो से ही ड्रॉ कर रही हूँ। और मैं फ्रंट में ज़्यादा लगाऊंगी क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा येलो इस कलर चाहिए, तो मैं फ्रंट में येलो लगा रही हूँ और इसे क्रीज भी पूरी अपनी क्रिएट करूँगी। थोड़ा सा येलो शेड है ना तो आप लोग को कैमरे में पूरा नहीं दिख रहा होगा, बट फ्रंट में सामने कैमरे में मैं जब देख रही थी मिरर में तो बहुत अच्छा कलर आ रहा था। तो थोड़ा सा ना कैमरे में थोड़ा हल्का ही आ रहा लाइट, क्योंकि डार्क कलर आते हैं कैमरे में ज़्यादा कैप्चर होते हैं। तो सेम सेकंड में भी दिखा रही हूँ तब आपको दिख रहा होगा येलो अच्छे से क्रीज बन रही है। तो मैं क्रीज लाइन में ही इसे पहले अप्लाई करूँ और थोड़ा थोड़ा लिड में भी इसे लगा ही रही हूँ मैं। देन मैं ले रही हूँ यहाँ पे ग्रीन कलर, ये डार्क ग्रीन है, इसी को ले रही हूँ मैं। और जो आप विंग आईलाइनर बनाते हैं ना उसी हिसाब से मैं विंग बना रही हूँ उसका, जो ग्रीन कलर है उस आई शेडो का। तो विंग बनाना है और वहाँ पे थोड़ा सा आपने डार्क कलर लेना है, मतलब मुझे डार्क चाहिए तो थोड़ा सा मैं उसे ज़्यादा उसे अप्लाई करूँगी कॉर्नर में और इसे पूरी अपनी क्रीज लाइन में फिर से मैं इसे अप्लाई करूँगी। जैसे मैंने येलो करा था उसी तरीके से मैं ग्रीन भी अप्लाई करूँगी। जो आपने साड़ी का कलर लेना है या जो भी ड्रेस आप पहनते हैं कोई भी फेस्टिव सीजन में, तो आप उसी कलर की क्रीज लाइन ड्रॉ कीजिए, पहले लाइट कलर फिर उसके बाद डार्क कलर, तो आपकी क्रीज लाइन बहुत अच्छे से बन जाती है। इसके बाद मैं इसे अपने पूरे लिड में भी मैंने अप्लाई कर लिया है। अब मैं येलो कलर ले रही हूँ जो डार्क वाला है, उसे आगे से लगा रही हूँ मैं और अपने थोड़ा सा क्रीज लाइन में अप्लाई करूँगी, क्योंकि ना थोड़ा सा हाथ लाइन ना दिखे अच्छा दिखे करके, तो इसलिए थोड़ा क्रीज लाइन में भी ब्लेंड करना जरूरी होता है इसे। गाइस मेन वो होता है आपका आई मेकअप, उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि ब्लेंड करने में आप देखिए कुछ भी लगाते हो हाई लाइन ना दिखे ना, इसलिए हमें ब्लेंड करना जरूरी होता है। तो सेकंड में भी सेम मैंने अप्लाई कर लिया है। इसके बाद जो स्काई ब्लू कलर है वो मैं ले रही हूँ, क्योंकि ना जो मुझे कलर चाहिए था आई शेडो का वो नहीं आ रहा है, तो मैं इसलिए स्काई ब्लू भी ले रही हूँ और मिडिल में इसे अप्लाई करूँगी। आप देखेंगे अब जब ब्लेंड करेंगे ना ये तो प्रॉपर जो मुझे कलर चाहिए वो आ जाएगा। अब मैंने ये येलो शेड लिया है और इसे मैं पूरा इसे ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से, क्योंकि मिक्स हो जाए दो अलग कलर ना लगे, तो इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा येलो इस कलर लेके ब्लेंड कर लिया है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा शिमरी शेड ले रही हूँ। गाइस मैंने आपको जो स्काई ब्लू कलर लिया था उसमें दिखाया ना, तब आपको दिखा नहीं, यहाँ पे देखिए आप कितना शाइनी कलर है ये, तो शिमरी कलर है, इसे मैं पूरे लिड में अपने अप्लाई कर लूँगी। गाइस कितना अच्छा कलर आया है आई मेकअप का, जो मुझे चाहिए था सेम मेरी ड्रेस के अकॉर्डिंग ही आया है। अब मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का आईलाइनर लगा रही हूँ और मैं पतला ही लगाऊंगी, बिल्कुल भी आइस के कॉर्नर तक ही लगाऊंगी, मैं विंग लाइनर कुछ भी नहीं ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे। तो ये होता है मेरा आई मेकअप कंप्लीट। आप देखेंगे आईलाइनर कितना अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से मैंने पूरा आई मेकअप अपना कर लिया है। आप देखिए पूरा बराबर है, कहीं पर भी ज़्यादा कम नहीं लग रहा है, जो मेरी ड्रेस है उसी के अकॉर्डिंग ही आया है आई मेकअप। तो अब मैं यहाँ पर ब्लश यूज़ कर रही हूँ
और ब्लश लगाते समय ना आप एक बार जरूर ध्यान दें कि आप ज़्यादा स्माइल ना करें। ज़्यादा स्माइल करते हैं ना तो हमारे चिक बोन्स जो होते हैं उसमें हम अप्लाई करते हैं, और जब हंसते नहीं है ना तो यहाँ पे पैचेस जैसे दिखते हैं। तो आप हमेशा ध्यान दें कि आप जब नॉर्मल रहें ना तभी आप ब्लश यूज़ करें। ये जो मैं यहाँ पे ब्लश यूज़ कर रही हूँ मिस रोज़ का आई थिंक, तो ये पीच कलर है, तो बहुत अच्छा लगता है, ये बेस्ट है, मुझे बहुत पसंद आया ये, और तब से मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ लिप बाम जो है ब्लू हेवन का। तो गाइज अब बारी आती है हाईलाइट की, तो हाईलाइटर मैं यहाँ पे ईडी का हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ। बेस्ट हाईलाइटर है ये और रीजनेबल रेट भी है, आई थिंक 250 तक आपको मिल जाएगा इजीली, अमेजोन फ्लिपकार्ट कहीं से भी आप लेना चाहें मिल जाएगा। आजकल तो पर्पल में सेल भी चल रही है, बहुत ज़्यादा सेल चल रही है, 50% बाय वन गेट वन फ्री भी चल रहा है, तो आप जाके पर्पल में चेकआउट कर सकते हैं। गाइज हाईलाइटर लगाना और ब्लश लगाना तो गर्ल्स का फेवरेट पार्ट होता है, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है हाईलाइटर और ब्लश लगाना। अब बारी आई है हाईलाइटर की, तो थोड़ा सा ज़्यादा लगा लेते हैं, फेस्टिव लुक है तो थोड़ा ज़्यादा ही चलेगा हर चीज़। आपको अभी थोड़ा फोरहेड मुझे ज़्यादा वाइट लग रहा है ना, थोड़ा हाईलाइट, तो अब जब लिपस्टिक लग जाएगी फुल मेकअप हो जाएगा तब आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। गाइस थोड़ा लगता है ना, जब तक फुल मेकअप ना हो तब तक ओवर लगता है, उसके बाद न्यूट्रल हो जाता है। जब आप मेकअप करेंगे उसके आधे घंटे बाद तो बिल्कुल नॉर्मल लगने लग जाता है, बहुत शाइनी फेस, मतलब अच्छा लगने लग जाता है। तो इस तरीके से आप यूज़ करें। यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी की आईब्रो पैलेट ली है, आप देखेंगे मैं आईब्रो को ज़्यादा बड़ा या मोटा नहीं कर रही हूँ, जो अब मेरा शेप है आईब्रो का उसी शेप को मैं फिलअप करूँगी जहाँ पर थोड़ा सा गैपिंग दिख रही है। लास्ट में यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का मस्कारा। अगेन इसके बहुत ज़्यादा रीजनेबल प्राइस हैं, तो आप इसे मंगा सकते हैं, 200 समथिंग में मिल जाएगा आपको इजीली, या उससे भी कम में मिल जाएगा आपको। गाइस मैं यहाँ पे फॉल्सेस यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं मस्कारा ही यूज़ कर रही हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे फॉल्सेस लगाना अच्छा नहीं लगता है, नेक्स्ट लुक में मैं ज़रूर लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने पर्पल की मिनी लिपस्टिक यूज़ की है, डार्क पिंक कलर है इसका, और ये हो गया हमारा पूरा मेकअप लुक कंप्लीट एक बिंदी लगा के। तो चलिए फटाफट से शॉर्ट्स ले लेते हैं, कुछ ब्यूटी शॉर्ट्स। I've kept inside.